तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एस एन वन एंड एस एन टू मैकेनिक्स। तो एस एन वन क्या है? सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूल। और यहाँ पे क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक पाई मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल। तो ये दो चीजें तो हो ही गई, एस एन वन एस एन टू। ठीक है, इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट। यहाँ पे किसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे। यहाँ पे बायोमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट एज वेल एज अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है यहाँ पे। और दूसरा, अगर स्टेप्स की बात करें तो ये टू स्टेप रिएक्शन होती है, दो स्टेप होंगे और इंटरमीडिएट बनेगा। तो दो स्टेप को लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रिएक्शन होती है जहाँ पे तीन या चार स्टेप्स भी होते हैं। तो अगर एस एन टू की बात करें तो यहाँ पे अगर एक स्टेप है तो यहाँ पे दो स्टेप होंगे, यहाँ पे दो स्टेप है तो यहाँ पे तीन स्टेप होंगे। ठीक है, तो हमेशा एस एन वन में एक स्टेप हमेशा ज्यादा होता है एस एन टू से। अब जो मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। एक इंटरमीडिएट बनेगा और यहाँ पे क्या है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट इस फॉर्म, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो पहले अब हम लोग देख लेते हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन है क्या। ठीक है, तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल डिफरेंस है, इंटरमीडिएट्स आर रियल। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रियल होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट ऑन द अदर हैंड आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हम अज्यूम करते हैं कि ये होगा। अब इसका रीजन क्या है कि ये क्या है, ये होते हैं स्टेबल इनफ टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, इतने स्टेबल होते हैं कि इनको हम लोग रिएक्शन में हार्नेस कर सकते हैं, मतलब उनको पकड़ के रख सकते हैं। और अगर किसी भी चीज को फ्रीज कर दिया उस पॉइंट पे, जैसे इंटरमीडिएट बना, ठीक है, लगा लो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट के लिए बना, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए मुझे पता चला कि इंटरमीडिएट बना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, फ्रीज कर दूंगा, मतलब उसको हार्नेस कर दिया मैंने। अब जब ये फ्रीज हो गया है तो इससे मैं काफी देर तक उसको स्टेबल कर सकता हूँ। ठीक है, हाइपोथेटिकल में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है कुछ नहीं दिख रहा, बट मुझे तो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है फोन में। अभिषेक, तुम्हें दिखाई दे रहा है?
तो जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो रियल होते हैं, इतने स्टेबल होते हैं कि उनको आइसोलेट किया जा सकता है, उनको हार्डनेस किया जा सकता है, और जैसे ही वो बने इतने स्टेबल होते हैं। दोनों ही अनस्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल इनफ। स्टेबल इनफ का मतलब क्या है, ये थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो तो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होती है, और इतनी अनस्टेबल होती है कि कभी हम लोग पता ही नहीं लगा पाते कि ट्रांजिशन स्टेट असली में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। जो इंटरमीडिएट होते हैं दे आर ऑन द अदर हैंड समवट स्टेबल, ठीक है, थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, इतने स्टेबल होते हैं कि 2 मिनट या 3 मिनट तक रुक जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। जैसे ही बनते हैं वैसे उतनी जल्दी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, तो 2 मिनट का डिले रहता है, और वो 2 या 3 मिनट हमारे लिए सफिशियंट है कि हम लोग उनको देख सकें कि वो रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एक बार देख लिया तो उनको हम लोग पकड़ सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं। लाइक जैसे ही हमें पता चला कि ये है तो हम लोगों ने ऐसी रिएक्शन कंडीशंस बना दी कि वो वहाँ पे फ्रीज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब बेसिकली हम लोगों ने उसको आइसोलेट किया, मतलब उसको निकाल लिया, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर से। तो उसको फ्रीज किया, फ्रीज करके रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लिया, निकाल के हम लोगों ने एक्सरे मशीन से चेक कर लिया कि ये क्या है, और वो हमारा सही इंटरमीडिएट आया। तो मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट असली में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास फुल फ्लेज्ड एविडेंसेस है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट आर मच मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से काफी हद तक स्टेबल होते हैं, एंड दे आर स्टेबल इनफ, ठीक है। अनस्टेबल तो होते ही हैं, इतने स्टेबल नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से काफी हद तक स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्टेबल इनफ टू एक्सिस्ट। मतलब क्या है कि इतने स्टेबल हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट रिमेम्बर, कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतने स्टेबल होते हैं कि 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ये दिखते हैं, ठीक है, बाकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बिल्कुल ही नहीं दिखती है। तो कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसके लिए एविडेंस प्रूव कर सकें कि हाँ ट्रांजिशन स्टेट होती है। बस यही है, ऑब्जर्वेशंस है कि ये एटम यहाँ लगा, ये एटम यहाँ से निकला, तो ऑब्वियसली ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अपने ऑब्जर्वेशन से हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये है, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस उसका नहीं है। सो अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर डाल दूँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो हमें पता है हाई एनर्जी, जिसकी हाई एनर्जी होती है वो क्या होता है, लेस स्टेबल, और जिसकी लो एनर्जी होती है वो होगा मोर स्टेबल, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दो है, एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, तो मुझे बताओ कि कौन सा इंटरमीडिएट होगा, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसको मैं ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ। तो ए क्या होगा और बी क्या है, एनर्जी के टर्म्स में बताना है। बोलो कुछ। अच्छा, ए है ट्रांजिशन स्टेट, और बी क्या है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये लग तो नहीं रहा मुझे ये ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, जिसकी एनर्जी हाई होती है वो कम स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी लो होती है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, 0 है, और ऐसे करके बढ़ रही है। यहाँ पे मैंने बोला इंटरमीडिएट आर मोर स्टेबल, मच मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं देन ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट
और ट्रांजिशन स्टेट में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी हो गई। और स्टेबिलिटी एनर्जी की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी क्या होगी? लो एनर्जी होगी, तो लेस एनर्जी। और इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी होगी। तो ये जो ऊपर है जिसकी एनर्जी हाई दिख रही है, ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास जिसकी एनर्जी है, वो क्या होगा? उसकी एनर्जी हाई है, हाई है तो वो क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट होगा। और जिसकी एनर्जी लो है वो क्या होगा? इंटरमीडिएट। समझ में आई ये? यस और नो? तो सिंपल है कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब ये इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट बहुत तरीके के हो सकते हैं। इंटरमीडिएट जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन आयन, ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। कार्बन के पास एक खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है और उसने सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाया है, ठीक है, चार बॉन्ड नहीं बनाए हैं, दो ही बॉन्ड बनाए हैं, तो उसे कार्बीन बोलते हैं। तो ये भी क्या है? इंटरमीडिएट है। तो रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बीन होते हैं, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, ये सारे इंटरमीडिएट है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या हेलोजन के ऊपर चार्ज आएगा तो वो हेलोनियम आयन बन जाएगा, तो वो सारे क्या है? इंटरमीडिएट्स ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इन सब, या एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए पड़ा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए पड़े हैं, तो उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट से काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इतनी अनस्टेबल होती है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। इंटरमीडिएट इतने स्टेबल होते हैं कि कुछ देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, इनका लाइफ स्पैन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा। सो वापस आ जाते हैं SN1 और SN2 पे। तो पहले हम लोग SN2 मैकेनिक्स कर रहे थे। तो SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। तो सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक है और बायोमोलिक्यूलर है। बायोमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग ग्रुप दोनों के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कल भी लिया था मैंने, उसी को मैं फिर से बताता हूँ। तो ये OH नेगेटिव क्या करना चाहता है? Cl को बाहर निकालना चाहता है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव। तो O क्या आएगा? पीछे से आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकलता बनेगा। इस केस में क्या होगा कि कार्बन के तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ये हो गए, और हम लोग क्या दिखाएंगे? बॉन्ड बन रहा है तो OH के साथ, और बॉन्ड टूट रहा है Cl के साथ, और इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ट्रांजिशन स्टेट बताती है कि कैसे बॉन्ड बन रहा है और कैसे बॉन्ड टूट रहा है। तो ये तीन बॉन्ड हो गए, और ये आधा बॉन्ड बना है और ये आधा बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ इधर हाफ इधर, तो टोटल चार बॉन्ड्स हो गए। तो ये जो बॉन्ड था वो नया बन रहा है और ये जो पुराना बॉन्ड था वो टूट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग करते हुए दिखा रहे हैं कि ये कैसे होगा। और उसके बाद क्या होगा? Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3
वो एच यहां से जुड़ गया और सी एल क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो सी एल नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक है, यह है ट्रांजिशन स्टेट। अब मैं अगर इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की सोचो, यही बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होगी एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, वेरस एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, ऐसी रिएक्शन होती है जहां एनर्जी रिलीज करती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है देन प्रोडक्ट। ये किसकी बात बता रहा हूं मैं, एंडोथर्मिक की। एंड एक्सोथर्मिक में क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा देन रिएक्टेंट, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब ये बात कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने रिएक्शन करा और उसको पहले कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और उसके बाद ये एनर्जी रिलीज कर दी। ये वही पोटेंशियल एनर्जी है और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूं कि रिएक्टेंट की एनर्जी 4 किलो जूल है और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 2 किलो जूल है, 3 मान लेते हैं। तो जो एनर्जी, तो ये बताओ मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी। तो इधर देखते हैं, मेरे पास ये रिएक्टेंट है और मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट की एनर्जी है 4 किलो जूल और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 3 किलो जूल। तो ये इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सुना होगा, क्या बोलते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, टोटल एनर्जी राइट हैंड साइड पे भी उतनी होगी, ठीक है। तो रिएक्टेंट के पास अगर 4 किलो जूल एनर्जी है और बाकी कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट के पास कितनी है, 3 किलो जूल एनर्जी है। तो यहाँ पे 1 किलो जूल एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी और वो किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट के पास कितना है, 4 किलो जूल है, तो प्रोडक्ट के पास अगर 3 किलो जूल है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी लो एनर्जी होगी, मतलब हाई स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से यहां जाने पे उसको क्या करना पड़ेगा, 1 किलो जूल की एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो उसकी एनर्जी कम होगी, यही है ना। उसकी एनर्जी क्या है, 4 है, और इसको अपनी एनर्जी क्या करनी है, 3 किलो जूल करनी है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसे क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर से 1 किलो जूल एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी, बाहर रिलीज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ये? और अगर एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, हाँ, तो उस किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या किस, बोला आपने? मैंने बोला कि अगर 1 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। तो किस टाइप की रिएक्शन हो गई है, एक्सोथर्मिक। समझ में आ रहा है ये?
अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? चार, तो ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? तीन, तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी तीन है, तो ये क्या है? मोर स्टेबल, समझ में आ रहा है ना? और ये क्या है? लेस स्टेबल। तो रिएक्टेंट क्या करेगा, पहले कुछ रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं है, तो रिएक्टेंट को हम लोग हीट करेंगे, हीट करने पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? एब्जॉर्ब करके सपोज वो कहाँ पहुंच गया, 10 किलो जूल पे पहुंच गया, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा, वो एकदम से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके वो, हाँ देखो अब यहाँ पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहां से यहां जाने पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई कितनी है? 10 इधर है और 4 इधर है, मतलब कितनी एब्जॉर्ब हुई? 6 किलो जूल, ठीक है? ये जो एनर्जी रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, ऑब्वियसली प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, फिर भी रिएक्टेंट क्या है, अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसको क्या चाहिए होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके वो अपने बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है? रिएक्टेंट को अपने बॉन्ड तोड़ने हैं, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, ठीक है? तो उसकी एनर्जी होगी 10 किलो जूल, और फिर जैसे ही उसकी एनर्जी 10 किलो जूल पे आती है, वो अपने बॉन्ड तोड़ता है और वो एकदम से स्टेबल हो जाता है, और उसकी एनर्जी कहाँ जाती है? 3। तो यहां से लेके यहां तक कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 7 किलो जूल, ठीक है? तो टोटल ई टोटल क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ, अब ये रिलीज हुई है तो रिलीज के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं और एब्सॉर्ब के लिए पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ठीक है? तो ई इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, प्लस ई इन सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी कितनी है? 6 किलो जूल, और रिलीज कितनी हुई है? 7 किलो जूल। तो ओवरऑल क्या हो -1 गया, -1 किलो जूल आया। माइनस का मतलब क्या है कि एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज हुई है तो वो किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये एक्सोथर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस वजह से है? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? समझ में आया? तो अब क्या होगा, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 1 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है? अब ऐसी 6 मॉलिक्यूल अगर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो कितने कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? 6 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है? और ये जो 6 किलो जूल की एनर्जी है वो सफिशियंट है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या होगा, रिएक्शन गर्म होती जाएगी, गर्म होने की वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट अपने आप ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। बस हमें क्या करना है, एक बार एनर्जी उसको देनी है, फिर वो जल्दी जल्दी करके अपने आप कन्वर्ट होते चले जाएंगे, ठीक है? तो जैसे तुमने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर में बस उसको एक बार हमें फोर्स देनी पड़ती है, उसको जर्क देना पड़ता है, उसको एक बार चलाना पड़ता है, ठीक है? और एक बार जब चला दिया तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ठीक है? क्योंकि वो इतनी एनर्जी निकालता है कि वो खुद भी चलता रहे और दूसरी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दूसरों को भी देता रहे, ठीक है? तो वो क्या बन जाता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन जाता है, कि वो उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि वो अपने लिए भी काम कर लेता है और दूसरों के लिए भी प्रोड्यूस कर देता है। समझ में आया ये? सो यहाँ पे हमारा जो एम था क्या था, कि हम लोग ये ग्राफ बना सके, और इस ग्राफ का नाम क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो अब मैं तुम्हें फिर से दो बना के दिखाता हूँ। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है? तो पहले रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो वो पहले हाई पे पहुंचेगा और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में जाएगा। और एक ये दूसरी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये पहले एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी। तो हर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होती है, उसको करानी पड़ती है, मतलब कुछ पहले एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो वाई एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स।
या फिर आरसी बोलते। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, किस टाइप की रिएक्शन तुम्हें शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बताओ। पहले वाला ये है एंडोथर्मिक, और ये वाला कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो यहां से हमें एक बात पता चल जानी चाहिए, अगर प्रोडक्ट कम स्टेबल है रिएक्टेंट से तो वो रिएक्शन किस तरीके की होती है, एंडोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है देन रिएक्टेंट, तो वो जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एक्सो थर्मिक रिएक्शन होगी। समझ में आ गई? ओके, सो अब क्या है कि अब हमें बताना है कि ये क्या है, ये जो पीक पे हम लोगों ने बनाया है तो ये भी तो कुछ होगा। ये क्या है, ये है तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट। हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स में से। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर सबसे ज्यादा एनर्जी है तो मतलब वो चीज बनेगी इतनी अनस्टेबल है कि वो उसी टाइम टूट जाएगी, बनते ही टूट जाएगी। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, उसकी एज कितनी होगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड के भी टुकड़े की जितनी उसकी एनर्जी, सॉरी लाइफ स्पैन होगी। ठीक है, जैसे ही बनेगा वैसे ही खत्म हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम लोग उसको देख सकें कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इतना क्लियर है? तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो अब हम लोग रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन वही लेते हैं जैसे मैंने लिया CH3Cl। अब ये OH यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ से अटैक किया और यहाँ से ये लीक कर रहा है। तो OH CH3 एंड Cl, तो इनके बीच में बॉन्ड मेकिंग हो रही है और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, फिर से लिख रहा हूँ मैं ऑब्वियसली। और उसके बाद ये पूरा टूट जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा OH और CH3। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अटैक ऑलवेज अटैक, अटैक ऑलवेज अकर्स फ्रॉम बैक साइड। कहाँ से होगा, हमेशा बैक साइड से ही होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अटैक फ्रंट साइड से क्यों नहीं हो सकता? जैसे सीएल भी तो नेगेटिव होते हैं ना, सीएल पे भी नेगेटिव हाँ, कुछ होता है। सीएल पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और उसके पास क्या है, तीन लोन पेयर है। तीन लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज हो गया बेसिकली, तो वो वहां पे अप्रोच उसे नहीं करता। ठीक है, और अब अगर मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़े तो कैसे मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिएक्टेंट, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारा क्या है, CH3Cl। मैं यहाँ पे लिख दूंगा CH3Cl, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, RC मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे रिएक्टेंट है मेरे पास CH3Cl, और ये प्रोडक्ट क्या बन गया है, CH3OH, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो ट्रांजिशन स्टेट में बना सकता हूँ। तो OH बॉन्ड बनता हुआ H H H C।
तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है, और ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो जितने भी माउंटेन की पीक्स आएंगी उस पर क्या होगा, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे के लिए ये क्या था, ये मैकेनिज्म था किसका, SN1 रिएक्शन का था, और ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। और इसमें क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, इंटरमीडिएट असली में एग्जिस्ट करता नहीं है, बट मुझे इंटरमीडिएट तुम्हें दिखाना था कि ये इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे बॉन्ड बन रहा है और कैसे बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, बट उसको तुम ये मत कंसिडर करना कि ये दो स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप 1 या स्टेप 2, ऐसे नहीं है, एक ही स्टेप, बस मैंने तुम्हें बीच में ट्रांजिशन स्टेट दिखा दिया, और तुम्हें कहीं और पे ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली तुम लिखोगे कि CH3 Cl है, OH ने अटैक किया, तो ट्रांजिशन स्टेट हम लोग दिखाते नहीं है, हम लोग जस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देते हैं, प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो एक ही स्टेप है, और एक ही स्टेप में हम लोगों ने पूरा इसका मैकेनिज्म दिखा दिया। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग नहीं करेंगे, नहीं तो जितने मैकेनिज्म बनाएंगे उसमें हर एक में एक एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी आएगी, और अगर हम लोग वो बनाने बैठेंगे तो हमारे पास हजारों ट्रांजिशन स्टेट हो जाएंगे, और इतना हम लोग नहीं बना सकते। और ट्रांजिशन स्टेट का कोई इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, ये जस्ट दिखा रहा है कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, कहाँ बॉन्ड बन रहा है, कहाँ बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं SN2 पे। अच्छा, मैं एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। चार रिएक्शन है, इसमें मैं डाल रहा हूँ OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव, इसमें OH नेगेटिव, और इसमें इथॉक्साइड। और यहाँ पे मैंने तुम्हें दे दिया रेट उस रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन हो रही है, और मैं मान लेता हूँ 10 मिनट में, ये रिएक्शन हो रही है 2 मिनट में, ये रिएक्शन हो रही है 5 मिनट में, और ये रिएक्शन हो रही है 5 मिनट में। बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये SN1 है या SN2 है? सोच समझ के बोलना, ठीक है, जो बोलोगे उसका रीजन देना है साथ में। ठीक है, अगर SN1 है तो क्यों है, SN2 है तो क्यों है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कल इस टाइप के मैंने तुम्हें 2-3 एक्सपेरिमेंट्स की डाटा लेके मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से हम लोग समझेंगे, तो लेट्स सी कि थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है बस। बताओ क्या हो गया? SN2 रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, और रीजन क्या है, रीजन हाँ रीजन क्या है? रीजन दो ही ऑप्शन है, SN1 SN2। तो अगर SN1 नहीं होगा तो SN2 होगा, SN2 नहीं होगा तो SN1 होगा। SN2 तो
तो अब रीजन बताओ कि कैसे पता चलेगा कि SN2 है या SN1 है। तो हमने क्या बताया था कि SN1 अगर रिएक्शन होगी तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे। और अगर SN2 रिएक्शन होगी तो रेट डिपेंड करेगा, वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रहा हूँ अगर SN1 रिएक्शन है तो रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे, SN2 होगी रिएक्शन तो रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे एंड अटैकिंग ग्रुप पे। सॉरी, टैकिंग ग्रुप। तो देखो सबस्ट्रेट तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अटैकिंग ग्रुप। अगर अटैकिंग ग्रुप चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है तो वो किस टाइप की रिएक्शन हुई, SN2। फिर से एक बार बोलेगा, सुनाई नहीं दिया कुछ भी। मैंने बोला SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे, SN2 पे रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और अटैकिंग ग्रुप दोनों पे, ठीक है। अब सबस्ट्रेट तो दोनों में कॉमन है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ अटैकिंग ग्रुप। अगर रेट ऑफ रिएक्शन अटैकिंग ग्रुप चेंज करने पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो SN2 रिएक्शन होगी, और अटैकिंग ग्रुप चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है तो वो SN1 रिएक्शन होगी। समझ में आई ये? ओके तो तुम लोग, पता नहीं इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तुम लोग इससे वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे देखना है कि अटैकिंग ग्रुप के बेसिस पे, तो अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, OH, और यहाँ पे क्या है, इथॉक्साइड। बाकी रिएजेंट क्या है, दोनों सब्सट्रेट सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट ही बनेंगे, और इनको चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया। सो ये ऑन चेंजिंग अटैकिंग ग्रुप, अगर मैं अटैकिंग ग्रुप चेंज कर दूं द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्टर्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, वहां पे चेंज हो रहा है। दिस मींस इट इज SN2 रिएक्शन। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, सिंपल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो लेट्स मूव टू SN2, सॉरी SN1। SN1 में जो रिएक्शन होती है, जैसे टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड लेते हैं, इसको मैं ट्रीट कराना चाहता हूँ एक्वस क्यूएच के साथ। तो पहले क्या होता है, हाँ पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ और ये बन जाएगा OH, सिंपल है। लेकिन जब इसका मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर OH नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो स्टेप हो गए, एक स्टेप 1 हो गया और एक ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोनों में ही एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, तो मैं उस ट्रांजिशन स्टेट को तुम्हें क्लियरली दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें क्या है कि बॉन्ड टूट रहा है, ठीक। अब बॉन्ड टूटने के बाद ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट, तो ये हो गया, इसको मैं बोलूंगा ट्रांजिशन स्टेट 1। दूसरे स्टेप में बनाऊंगा तो उसमें क्या है कि OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो ये अटैक करेगा, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो क्या होगा कि बॉन्ड बन रहा है और फिर ये कंप्लीटली बॉन्ड बन जाएगा, है। और ये भी क्या है ट्रांजिशन स्टेट, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये किस टाइप की स्टेट होगी, ये स्टैंडी ट्रांजिशन स्टेट 2 है। सो ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट प्लस एक प्रोडक्ट प्लस एक इंटरमीडिएट प्लस दो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट और दो ट्रांजिशन स्टेट, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जो जितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट किसके इक्वल हो जाएंगी, नंबर ऑफ पीक्स, कितनी पीक कितने माउंटेन्स बनेंगे और कितनी उसकी पीक बनेगी वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस पे, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलीज, कि कितनी वैलीज बनेंगे, ठीक है। ये पीक और वैलीज का क्या मतलब है, तो जैसे अगर हम लोग माउंटेन देखेंगे, ठीक है, तो ये एक माउंटेन है, तो ये हो गई पीक 1, ये माउंटेन है तो ये हो गई पीक 2, और ये जो नीचे जो बच जाती है जगह इसे हम लोग बोलेंगे वैली, ठीक है। तो ये है एक वैली, तो ग्राफ जब बनेगा तो ग्राफ इसी टाइप का बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गई पीक 1 और ये हो गई पीक 2 और ये हो गई वैली। जो वैली होती है वो बताती है कि वो है इंटरमीडिएट, और जो पीक्स होती हैं वो बताती हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। एक काम करते हैं, तुम दोनों का ही इंटरनेट चल नहीं रहा, एक काम करते हैं आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिशन, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। कर लें पूरा फिर से, ज्योति तुम्हें सुनाई दे रहा है, ओके। तो मैंने बताया कि जितनी पीक होंगी, जितनी पीक्स हैं वो होती हैं ट्रांजिशन स्टेट, और जितनी वैलीज हैं वो होंगी स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, ठीक है, जितनी वैलीज होंगी वो होंगी इंटरमीडिएट्स। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो उसमें तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि कितने इंटरमीडिएट बन रहे हो, कितने ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये जो पीक है ये ट्रांजिशन स्टेट होंगी, और ये होगा इंटरमीडिएट, पहले वाला रिएक्टेंट होगा, बाद वाला प्रोडक्ट होगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो पहले हम लोग यही वाली रिएक्शन लेते हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले सीएल निकला, इसने बनाया एक इंटरमीडिएट, और उसके बाद ओएच ने यहाँ पे अटैक किया तो ये बन गया ओएच। तो अगर इसका मुझे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़े,
तो ये बनेगा रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट, और ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ये दो पीक्स बन जाएंगे। ठीक है, इसमें से जो बीच में है ये रिएक्टेंट है टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड, और प्रोडक्ट है टर्शी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन 2 और। नहीं, तुम्हें अज्यूम नहीं, मतलब मोस्टली रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें बता देंगे कि ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक है। अगर नहीं दे रखी है तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या बनाना है, एक्सोथर्मिक ही बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी प्रेफर नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज स्टेबल होना प्रेफर करती है, तो अगर रिएक्टेंट कम स्टेबल है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अदरवाइज एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हमें जबरदस्ती रिएक्शन को फोर्स करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन होगी। तो ये तीन ट्रांजिशन स्टेट हैं। तो ये है, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इंटरमीडिएट, और ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि कैसे बॉन्ड बन रहा है और कैसे बॉन्ड टूट रहा है, बस यही दिखाना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने छोड़ी है, धीरे धीरे बताऊंगा। सीएल बॉन्ड टूट रहा है और ये OH का बॉन्ड जुड़ रहा है, तो ये मैंने दिखा दिया दो ट्रांजिशन स्टेट। समझ में आ गया ये कैसे बनाना है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो दूसरा चीज कि जो लेंथ ऑफ पीक होगी वो डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी पे। जिस स्टेप की ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो स्टेप की पीक बड़ी होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है किसकी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा रेट पे। अगर किसी रिएक्शन का रेट स्लो है तो मतलब उसे ज्यादा देर लग रही है एनर्जी एक्यूमुलेट करने में। ठीक है, सो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, और ये जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इसकी होगी हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, और जो फास्टेस्ट स्टेप होगा उसकी होगी लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो जिस जिस पीक की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो क्या हो गया, फास्ट स्टेप हो गया, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और वो हो जाता है स्लो स्टेप। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी लिखते हैं लेते हैं रिएक्टेंट से पीक तक। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेके यहां तक है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, इस स्टेप टू के लिए ये, इसके लिए ये रिएक्टेंट है और इस ये प्रोडक्ट है स्टेप वन के लिए, और स्टेप टू के लिए ये जो प्रोडक्ट बना है वही बन जाता है रिएक्टेंट और ये बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से जो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये आई गेस समझ में आ गया होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एक या दो बार देखना और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एक बार खुद बनाना। ठीक है, बन जाएंगे तो बढ़िया, और उसके बाद फिर हम लोग कल एक दो एग्जाम्पल और करेंगे एक्टिवेशन। कल तो छुट्टी है, सैटरडे, संडे भी छुट्टी है, ऑब्वियसली छुट्टी है, तो 2 दिन की तुम्हारी बेसिकली छुट्टी आ गई है, तो तुम लोग इसको अच्छे से करना। और 2 दिन की छुट्टी आई है तो लैब कब होगा, अब तुम्हें लैब का क्या करना है, अब सेकेंड ईयर तो अब तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, थर्ड ईयर में तुम्हें अपना रिस्पेक्टिव यूज करना है। लैब में तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीक से करा दूंगा, नेक्स्ट वीक तो नहीं करा पाऊंगा, छठ के बाद अगर तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह नहीं होते हैं तो मैं तब कराता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक इलेक्शन है और इलेक्शन की ड्यूटी लगी हुई है, तो
उस टाइम भी छुट्टी भी रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको बस अच्छे से जो मैंने बनाया ना बताया है, इस लेक्चर को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, आज के लेक्चर को, कल के लेक्चर को दो बार वीडियो देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छे से कर लेना इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये।